हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी दुनिया में। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या बनाने की तैयारी चल रही है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है, और गोभी को मैंने चॉप करने के बाद उसमें नमक डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया है 5 मिनट रखने के बाद। तो यहाँ मैं सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लूंगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मोमोज। तो आज सिस्टर को खाने थे मोमोज, उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको खाना था कुछ स्पाइसी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज मोमोज। तो यहाँ मैंने इसको सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस इसमें हमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा गर्म मसाला बस। और हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है सब्जी को। तो बस यहाँ पे हमारी सारा मिश्रण बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ मम्मी ने पूड़ियों को भी स्टार्ट कर दिया, और ये देखिए इतने मोमोज हमारे बनके तैयार भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं और बाकी के मोमोज भी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोमोज। वैसे मैं मोमोज कभी घर पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मोमोज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट आज सिस्टर ने डिमांड की थी तो बस उसके लिए मैंने घर पे मोमोज बनाए हैं। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। कौन कौन घर पे मोमोज बनाता है अपने को प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कितना टाइम लग जाता है। मुझे तो यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था मोमोज बनाने में, 2-3 घंटे आराम से लगे थे। मेन इसको बेलने में और भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टीम होने रख दिया है मोमोज। तो यहाँ हमारे मोमोज स्टीम हो गए, और कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, कितने यम्मी एंड टेस्टी से। तो बस अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ हमारे मोमोज बनके तैयार हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया सिस्टर की प्लेट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेट कर रही है मोमोज के लिए, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही है बस। तो मैंने उसके लिए यहाँ मोमोज की प्लेट लगा दी है। तो मैं देखो आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने मोमोज प्लेट में लगा दी है, ऊपर से डाल दिया है इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स वाला मसाला। तो अभी देखिए मैं आपको टेस्ट कराती हूँ कैसे बने, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसमें फिलिंग की है, और ये बहुत ही यम्मी एंड स्पाइसी। चटनी तो इतनी स्पाइसी बनी थी ना, तो ये मोमोज बहुत ही स्पाइसी एंड यम्मी बने थे। तो आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।